अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं हूँ साइमा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन चीज़ बंस की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। 2 कप मैदा, 2 चम्मच ऑयल या घी, 2 टेबलस्पून यीस्ट, 1/2 कप दूध, 1/2 कप गरम पानी, 1 egg, 1/2 teaspoon salt, 2 tablespoon sugar। मैदा एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, शुगर डालेंगे, अंडा डालेंगे, यीस्ट डालेंगे, ऑयल डालेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, पानी डालते जाएंगे ग्रेजुअली। देखें, हमने डो को गूंद लिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, प्लास्टिक से कवर करके किसी गर्म जगह के ढांप के छोड़ देंगे। हमने डो को 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है। हम उतनी देर में फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। चिकन चाहिए 1 से 1.5 कप चिकन, बोनलेस चिकन लेंगे, 1 बड़ी प्याज, स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा नमक 1 टीस्पून, पेपर 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून, ओरिगानो 1 से 2 चुटकी, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, कलौंजी हम टॉपिंग पे थोड़ी सी लगाएंगे, अगर आप तिल लगाना चाहते हैं तो वो लगा लीजिए, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, इसके अलावा मोज़रेला चीज़, आप स्लाइसेस वाले या इसके अलावा कोई भी आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल जी। ये थे फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स, लेट्स स्टार्ट कुकिंग। पैन में ऑयल डालेंगे 3 से 4 चम्मच, अनियन ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब चिकन डाल देंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा अदरक पाउडर, थोड़ा सा लहसुन पाउडर, मस्टर्ड पाउडर 2 से 3 चुटकी, पेपरिका पाउडर, पिंच ऑफ ओरिगानो। नाउ चिकन इज डन, इसको उतार लेंगे। देखें फिलिंग रेडी है, कुक होगी। अब हम इसको चिकन को अच्छी तरह श्रेड करेंगे, चॉपर में डाल अच्छी तरह से कर सकते हैं या फिर हम फोक से भी कर सकते हैं। फिलिंग इज रेडी, अब हम डो को चेक करेंगे। हमने प्लास्टिक से कवर करके इसको रख दिया था 1 घंटे के लिए। देखिए कितनी फ्लफी हो गई है। इसको हम बॉल में से निकाल के एक बार अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इसकी हवा जो है इसमें वो निकाल देंगे, एक बार गूंदेंगे थोड़ा सा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे रोटी की तरह। ये पेड़े बना लिए हमने, अब इनको बेलेंगे। ये रोटी बन गई है, अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे और इसके साथ ही चीज़ रख देंगे। इसको
इसको बॉल की शेप दे देंगे। इस तरह से हम बाकी की शेप कर लेंगे। इसके ऊपर घी लगाएंगे, थोड़ा ग्रीस कर देंगे। थोड़ा बीटन एग लगाएंगे, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। टॉपिंग पे तिल या कलौंजी, व्हाटएवर यू लाइक। ये सारे बंस रेडी हो गए हैं। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पतीला रखें, उसमें एक स्टैंड रखें और इसमें ये 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखते हैं। देखें, बंस मैं पतीले में बना रही हूँ, पतीला रखा, देन इसमें एक इस टाइप का स्टैंड रखा और इसके अंदर हम अपनी ट्रे रखेंगे। इस तरह से हम पतीले में रख देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, 15 मिनट में ही हमारे बन रेडी हो गए हैं। देखिए कितने फूल गए हैं, कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। देखिए कितने सॉफ्ट एंड चीज़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। ओके, हाफिज़, बाय। मंगती नहीं बनेंगे।